नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे हैं और कैसे 6 घंटे की जरूरी नींद के बाद भी हम अपनी 60 सालों की जिंदगी में से 10 साल सिर्फ और सिर्फ सोने में ही लगाते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब सुबह लेट उठने के आदि हो चुके हैं। कितना भी कोशिश कर लें पर जल्दी बिस्तर से उठने का कतई भी मन नहीं करता, और करे भी क्यों, नींद इतनी प्यारी जो लगती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो मेरी इस वीडियो पर न्यू व्यूवर हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरी यह वीडियो सबके पास पहुँच पाए। आज का हमारा टॉपिक सोना, नींद कितनी जरूरी है और कितनी गलत है। वैसे तो रात को सोना हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इससे हमारे माइंड को काफी रेस्ट मिलता है और जरूरी भी है, क्योंकि माइंड हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। इसके बिना ये शरीर कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, पूरी सृष्टि, टेक्नोलॉजी, काम करना, बिजनेस करना, मशीनें तैयार करना और कंप्यूटर्स के जरिए जितने भी कार्य हैं, ये सब इंसानी दिमाग के मुताबिक ही तो होता है। और चाहे हम पूरा दिन कुछ करें या ना करें, किंतु हमारा माइंड तो चलता ही रहता है, जिसको हम रात को सोकर ही रेस्ट देते हैं। शरीर कभी नहीं थकता, थकता है तो मन, और उसी के मुताबिक ही सब कार्य होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। बदलती जीवन शैली में हम देर में सोने और देर से जागने को आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा मानने लगे हैं, परंतु हमेशा से ही अच्छी सेहत पाने के लिए रात को जल्दी सोना और जल्दी जागने की बात कही गई है। देर से सोना और देर से उठना, दोनों ही आदतें शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया था। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। सुबह जल्दी उठना हमारे लिए किसी दवा से कम नहीं है। ये आदत जीवन में आई हर स्वास्थ्य समस्या का अंत सकारात्मक प्रभाव से करेगी। जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। वैज्ञानिक शोधों से यह साबित हो चुका है कि जल्दी उठना दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे दिमाग की कोशिकाएं मजबूत होती हैं, जिससे दिमाग तेज होता है और याददाश्त अच्छी बनी रहती है। अनेक शोधों के अनुसार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा वायुमंडल काफी हद तक शुद्ध होता है। इस समय दिन के मुकाबले वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। सुबह सुबह की शुद्ध वायु हमारे तन मन को स्फूर्ति और ऊर्जा से भर देती है। फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, जिससे रक्त शुद्ध होता है। यही वजह है कि इस समय में की गई सैर और व्यायाम, योग, प्राणायाम शरीर को निरोगी रखते हैं। इसके अलावा पक्षियों की चहचहाट से सुबह का माहौल खुशनुमा हो जाता है, जिससे हमारा तन मन प्रफुल्लित होकर तरोताजा हो जाता है। सुबह जल्दी उठना दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों और योजनाओं को बनाने में हमें अच्छा समय मिल पाता है। न ऑफिस में देर से पहुंचना और न ही बच्चों की स्कूल बस छूटना, ये सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हर कार्य पूर्व नियोजित ढंग से हो जाता है, जिससे दिमाग को में कोई तनाव नहीं होता और अपनी रुचि के लिए भी समय निकल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के सुखी और समृद्ध हो सकता है। जल्दी उठकर हम अपनी व्यस्त जीवन शैली में से अपने करीबी रिश्तेदारों और मित्रों के लिए भी समय निकाल पाते हैं। नतीजा, रिश्तों को मजबूती। और कहीं ना कहीं आपको पता भी होगा कि हमारे मन दो होते हैं, एक मन और दूसरा अवचेतन मन, जिसको हम इंग्लिश में माइंड व सब कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। और इसी के जरिए ही सब कार्य होते हैं। जो हम मन को ऑर्डर देते हैं वही हमारा मन करता है। कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही हम पाएंगे। खैर, इसके विषय भी मैं अगली किसी वीडियो में बात करूंगा। आज का हमारा टॉपिक नींद, सोना कितना जरूरी है और वह कैसे हम जल्दी उठ सकते हैं और कैसे हमारे जीवन के मैक्सिमम 60 सालों में से 10 साल हम सिर्फ और सिर्फ सोने में ही लगाते हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो आप जान लीजिए, जैसे कि हम रात को करीब 10 बजे भी अगर सोएं तो सुबह 7 बजे के करीब करीब उठकर हम टोटल हिसाब लगाते हैं। तो चलिए हिसाब करते हुए, अगर हम रात को 10 बजे सोएं और सुबह 7 बजे उठें तो टोटल 10 घंटे हुए, जबकि हमको सोने के लिए सिर्फ 5 घंटे ही काफी हैं। चलो एक घंटा और बढ़ा दें तो 6 घंटे मानकर चलते हैं। चलिए अब टोटल हिसाब करते हैं कि कैसे हम 60 सालों में से 10 साल सोते हैं। जैसे कि हम एक दिन में 10 घंटे सोए और उसी के मुताबिक 6 घंटे उसी में से माइनस करके बाकी जो निकाले वो 4 बचे, उसके बाद 4 घंटे हम एक्स्ट्रा सोएं, और वही अगर हम 6 दिन के हिसाब से और 6 घंटे की जरूरी नींद के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है उसमें से एक दिन निकल कर आता है। 6 दिन अगर हम सोएं और 4 घंटे एक्स्ट्रा निकाले तो एक दिन हम सिर्फ और सिर्फ सोने में ही लगाते हैं। उसके बाद अगर हम कंटिन्यू करते रहें, एक महीने में हम 5 दिन सिर्फ और सिर्फ सोने में ही निकाल देते हैं, जबकि हमारा इस जीवन में एक एक पल कीमती है। और इसी तरह अगर हम जोड़ते रहें तो एक साल में सिर्फ और सिर्फ हम 2 महीने सोने में लगाते हैं और 6 सालों में 1 साल और उसके बाद 60 सालों में 10 साल सिर्फ और सिर्फ सोने में ही निकाल देते हैं। दोस्तों आपके सामने टोटल हिसाब है, आप खुद हिसाब करके देख लीजिए कि हम कितना सोए और कितना हमने एक्स्ट्रा टाइम है जो वेस्ट किया। आप खुद ही देखिए ये 10 साल हमारे लिए कितना कीमती है, जबकि हम सोने से लेकर पूरे दिन के हिसाब से 10 साल एक्स्ट्रा सोए हैं। तो दोस्तों आप ही देखिए ये 10 साल हमारे लिए कितने कीमती हैं, जबकि हम सोने से लेकर पूरे दिन के हिसाब से 10 साल एक्स्ट्रा सोए हैं। और जो हम सोने में निकाले हैं, अगर वही समय अपने किसी ड्रीम के लिए, अपने किसी लक्ष्य के लिए, अपने किसी सपने के लिए, अपने किसी मंजिल के लिए लगाते तो ये 10 साल बहुत हैं। दोस्तों इन 10 सालों में हम बहुत मेहनत करके एक मुकाम पर पहुंच सकते थे, और जबकि हम इन्हीं 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ सोए हैं। ये जीवन हमें एक ही बार मिलना है, भगवान ने हमें बनाया है तो हमें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें, और कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि जीते जी हम अपने परिवार के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर पाएं, हमारे जीवन की छोटी बड़ी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा कर सके। आप खुद सोचिए दोस्तों, हमने इस जिंदगी में आकर क्या किया, और जितने भी बड़े लोग हैं, करोड़ों अरबों पति लोग हैं जिन्होंने सब ने जीरो से ही शुरुआत की है, आज उनकी भी नींद मात्र 6 घंटे ही है, बाकी वे अपना बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं। तो दोस्तों सोकर हमारा कुछ भी फायदा नहीं है, अगर हम यह भी सोचें कि सोने में मजा आता है, आनंद आता है, तो ये आप भूल जाइए, क्योंकि सोते हुए हम सिर्फ सपने देखते हैं और कुछ नहीं। और अगर सपने देखने ही हैं तो खुली आंखें से देखो और उनको पूरा करो। और आनंद किस चीज का दोस्तों, सिर्फ 1 सेकंड, वो 1 मिनट जब हम सुबह जागते हैं, अगर हम उसमें निर्णय लें कि हमें वापस से सोना है तो हम उसमें सो जाते हैं, और एक्स्ट्रा 3-4 घंटे जिसका कोई भी लाभ नहीं है। अगर हम उसी 1 सेकंड 1 मिनट में यह सोचकर उठ जाएं अपने लक्ष्य के बारे, अपने उद्देश्य के बारे, अपनी मंजिल के बारे, अपने जो सपने हैं उनके बारे अगर सोचकर हम जाग जाएं तो हमें वो नींद अच्छी नहीं लगेगी, हम अपने काम की तरफ ध्यान देंगे, हम सुबह जो शांत मन होता है, वातावरण होता है, अपने सपनों के बारे में सोच सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम सुबह उठने वाले हैं, सोचे थोड़ी देर और सो जाएं तो पूरा दिन भी निकल जाए तब भी हमारा मन नहीं भरेगा। दोस्तों वो 1 मिनट का निर्णय वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। कुछ करना है अपने ड्रीम बारे, अपने सपनों के बारे सोचकर 1 मिनट, वो 1 सेकंड बस उठ जाइए। अगर आप उठ जाते हैं तो समझो आप जीत गए, अगर आप सो जाते हैं तो समझो आप हार गए। दोस्तों कुछ भी इसमें लाभ नहीं है, आप सोचते ही होंगे कि सुबह जल्दी उठूं और बहुत मोटिवेट होकर के रात को सोते भी होंगे, पर नहीं, सुबह जब अलार्म बजता है तो अपने
आपको झूठा दिलासा देकर अलार्म बंद करके सो जाते हैं कि थोड़ी देर बाद उठूंगा या कल को पक्का उठूंगा। मुश्किल से वो एक मिनट नहीं लगता अलार्म बंद करने में, तो जल्दी लोग उठते नहीं हैं, बस अपने दिल को झूठा दिलासा देकर सो जाते हैं, क्योंकि नींद प्यारी लगती है दोस्तों, जबकि उसका कोई लाभ नहीं है। अगर हम अपने लक्ष्य को देखकर, अपने सपनों को देखकर और अपने मुकाम को देखकर सोएं, तो हमें वो अलार्म नहीं उठाएगा, हमें अपने सपने उठाएंगे, अपना ड्रीम उठाएगा, और उसी के हिसाब से हम अपना जीवन व्यतीत करने लगे अपने भविष्य के बारे में सोच करके दोस्तों। अगर आप सोचेंगे भी दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, आप जबरदस्ती से उठेंगे तो सही, पर दो चार दिन से ज्यादा नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि वो जबरदस्ती उठना हो गया, नींद आपको आदी कर चुका। और अगर आप सोचें भी दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे भी क्या, जबरदस्ती से उठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम दो चार दिन से ज्यादा नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि आपकी यही सोच रहेगी कि उठकर जल्दी करना भी क्या है, काम करके क्या हो जाएगा, हम उठकर क्या कर लेंगे, ये हम कहते रहेंगे और फिर बाद में हम बोलेंगे कि हमारी तो जिंदगी ही खराब है। अरे हमारी जिंदगी नहीं, हमारे तो आदतें खराब है। आप अपने हौसलों को बुलंद करें, अपने सपनों के बारे सोचें, अपनी मंजिल के बारे सोचें, फिर वो आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप खुद जल्दी उठने लग जाएंगे, अलार्म से पहले उठने लग जाएंगे। तो दोस्तों वो एक सेकंड ही है आपके उठने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, कि बस आप एक नज़र एक बार उठ जाइए, उसके बाद आपको वो नींद अच्छी नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ आपका भविष्य दिखेगा। और सुबह का तो मन ऐसा होता है, माइंड फ्रेश होता है, शांति माहौल होता है, उसमें अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो अच्छा है ही, वो भरपूर से होगा और आपके लिए उज्जवल भविष्य की एक राह दिखाई देगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।